पत्नी की हत्या के आरोप में पति को भेजा पुलिस ने जेल। घटना टेरागर थाना क्षेत्र के हवाकोल पंचायत के वार्ड नंबर 10 में। टेरागर थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाकोल पंचायत स्थित खुजीवाड़ी माली टोला वार्ड नंबर 10 में सुनीता देवी की गला दबाकर हत्या करने के मामला प्रकाश में आया, जिससे आसपास के क्षेत्र में गम का माहौल है। टेरागर थाना को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर दलबल के साथ पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया। टेरागर थाना अध्यक्ष तरुण कुमार तनुष ने बताया कि प्रथम दृष्टि से देखने से प्रतीत होता है कि इसकी हत्या गला दबा कर की गई है। लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उनके पति गांधी पासवान को हिरासत में ले लिया तथा इस मामले में 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायत में 100% COVID-19 वैक्सीनेशन कराने को लेकर टेरागाज स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर वाई सिंह द्वारा प्रखंड के अलग अलग पंचायत के गांव में डोर टू डोर जाकर महिलाओं को COVID-19 वैक्सीन का टीका लगाने के लिए अपील एवं जागरूक कर रहे हैं। बताते चले कि टेरागाज प्रखंड क्षेत्र में 70% ही लोगों को COVID-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया है, जिसका रफ्तार को बढ़ाने को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में खुद डॉक्टर वाई सिंह ग्रामीणों को टीका लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं COVID-19 वैक्सीन को सफल बनाने को लेकर जेविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, महिला सुपरवाइजर, महिला फैसिलेटर, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर जाकर महिलाओं को टीका लगाने के लिए जागरूक एवं टीका लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। इसी क्रम टेरागाज प्रखंड के अलग अलग पंचायत में डॉक्टर वाई सिंह ने ग्रामीणों को COVID-19 वैक्सीन का टीका लगाने के लिए जागरूक किया। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के डाकपोखर पंचायत स्थित बेनुगर का ऐतिहासिक टीला पर्यटकों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्राकृतिक की छटा यहाँ देखने को लायक है। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार यहाँ की सैर कर चुके हैं। प्रवासी पक्षियों को लेकर विलुप्त पंछी इस ऐतिहासिक टीला में आज भी प्रवास करते हैं। पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी इलाके में कई विलुप्त हो रही पक्षी आज भी यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। पर दुख की बात यह है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की संख्या अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जंगल समाप्त हो रही है, जिसके कारण पक्षियों का आना अब धीरे धीरे कम हो रहा है। विलुप्त पक्षी गुरु आज भी इन पेड़ों पर कभी कभार देखने को मिल जाता है। वहीं प्रवासी पक्षी के रूप में सारस प्रजाति के साइबेरियन पक्षी यहाँ प्रयोजन के लिए प्रवास पर आते हैं, और तो और चमगादड़ आज भी यहाँ हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। आज भी तोता कई प्रजातियाँ कर्रावारी के लेकर ऐतिहासिक टीला बेनुगर के बीच आकाश में झुंड में उड़ते दिखाई देते हैं। विलुप्त अन्य जीव पक्षी के समय रहते नहीं बचाया तो इस रैनिक और ऐतिहासिक स्थल का वजूद मिट जाएगा, जहां कुदरत का दिया हुआ सब कुछ विधान है।